एक 7-सीटर फैमिली कार बनाने के दो पॉपुलर तरीके हैं। सबसे पहला, फोकस रखे एसयूवी पर। एक अच्छी खासी 5-सीटर एसयूवी लीजिए, उसे खींच दीजिए, बन गई 7-सीटर एसयूवी। लेकिन अगर आप फोकस 7-सीटर पर रखते हैं तो आपको ऐसी कुछ गाड़ी देखने मिलेगी जिसे किया एक आरवी यानी रिक्रिएशनल व्हीकल कहती है। अब ऑन पेपर किया कारंस और ह्युंडई अल्काज़ार में बहुत से सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ बुनियादी फर्क भी है। कौन सी 7-सीटर किसके लिए सही है, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं कार देखो, वे वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। लेट्स बिगिन। दोनों गाड़ियों का फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ही अलग है। जहां अल्काज़ार एक एसयूवी की तरह लगती है, वही कारंस आपको एक एमपीवी की याद दिलाएगी। अब ऑन पेपर डायमेंशंस कंपेयर करें तो कारंस हर एक एस्पेक्ट में अल्काज़ार से बड़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप साइज डिफरेंस इमीडिएटली देखते ही बता पाए। लेकिन हाँ, एक बात आप ज़रूर बता पाएंगे, अल्काज़ार से क्रेटा के इन्फ्लुएंस को अलग करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऑन दी अदर हैंड, कारंस और सेल्टॉस में सिमिलैरिटी डिज़ाइन वाइज है ही नहीं। दोनों में से डिज़ाइन आपको किसका बेहतर लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। डिज़ाइन कोई भी पसंद हो, एक बात आप भी मानेंगे, दोनों ही गाड़ियाँ एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है, प्रीमियम लगती है। दोनों में इंटरेस्टिंग डे टाइम रनिंग लैंप्स और फुल एलईडी हेड लैंप्स और एलईडी टेल लैंप्स जैसे एलिमेंट्स कॉमन है। हाँ, कारंस के अलॉय व्हील्स 16 इंच के हैं, जबकि अल्काज़ार में 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। कैबिन के अंदर भी बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। टॉप मॉडल्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन, बोस साउंड सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स दोनों में अवेलेबल है। यहां से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। ह्युंडई अल्काज़ार का फोकस है फील गुड फीचर्स, यानी ऐसे फीचर्स जिससे इसकी एवरीडे यूजेबिलिटी या यूटिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक अच्छी फीलिंग जरूर आती है। अल्काज़ार में पावर ड्राइवर सीट, एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं जो किया कारंस में नहीं मिलते। अब कारंस में जो यूनिक फीचर्स है कंपेयर टू द अल्काज़ार, उनका फोकस है सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी पर। ये ऐसे फीचर्स है जिन्हें देखकर आप इमीडिएटली वाओ तो नहीं कहेंगे, पर इन्हें आप एक डेली बेसिस पर यूज करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। इसमें पॉप आउट कप होल्डर, अंडर सीट स्टोरेज ट्रे, कूल्ड कप होल्डर्स और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स शामिल है। कारंस थोड़ा और प्रॉमिस करती है बूट स्पेस के मामले में भी, 216 लीटर्स वर्सेस 180। और अगर आप एक्चुअल यूजेबल स्पेस देखें, वो भी कारंस में आपको हल्का सा ज्यादा मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कारंस में एक मीडियम साइज ट्रॉली बैग और एक डफल बैग आराम से फिट आ जाती है। ये मीडियम साइज ट्रॉली बैग अल्काज़ार में फिट नहीं होती, तो सबसे छोटी ट्रॉली बैग और डफल बैग ही आप अल्काज़ार में फिट कर पाएंगे। थर्ड रो फोल्ड करें तो कारंस में 645 लीटर्स और अल्काज़ार में 579 लीटर्स की स्पेस अवेलेबल है। सेकेंड रो फोल्ड करने पर दोनों गाड़ियों में इतना स्पेस है कि आप आराम से घर शिफ्ट कर पाए। इन ऑल केसेस कारंस में थोड़ा और स्पेस मिलता है कंपेयर टू द अल्काज़ार। स्पेस डिस्कस करने के पहले दोनों गाड़ियों की इनग्रेस ईग्रेस देख लेते हैं। अब दोनों गाड़ियों के फ्रंट रो और सेकेंड रो की हाइट न्यूट्रल है, चढ़ना और बैठना आसान है, उतरना भी आसान है। आपके घर के एडल्ट्स को भी, एल्डर्स को भी यहाँ कोई शिकायत नहीं होगी। एल्डर्स हो या बच्चे, कारंस के थर्ड रो में बैठना और उतरना ज्यादा आसान साबित होता है कंपेयर टू द अल्काज़ार। यहाँ डोर ओपनिंग चौड़ी है और अच्छी खासी हाइट भी मिल जाती है इजी एक्सेस के लिए। दोनों में वन टच टंबल सेकेंड रो प्रोवाइडेड है, पर किया ने इसे एक बटन देकर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया है। और एक बात, अल्काज़ार के कैप्टन सीट वर्जन में सेंट्रल आर्मरेस्ट फिक्स्ड है, इस वजह से आप सीट्स के बीच में से चलकर थर्ड रो एक्सेस नहीं कर सकते। कारंस के कैप्टन सीट वर्जन में ये दिक्कत नहीं आती। थर्ड रो में कारंस बेहतर नी रूम और हेड रूम ऑफर करती है। क्वार्टर ग्लास भी बड़े साइज के हैं, तो यहाँ घुटन महसूस नहीं होती और लंबी जर्नीज थोड़े और कंफर्टेबल हो जाते हैं। अल्काज़ार में स्पेस की कमी तो है ही, साथ ही इसका ब्लैक इंटीरियर थीम इसे एक क्रैम्प्ड फीलिंग दे देता है। और एक नेगेटिव ये है कि अल्काज़ार के एसी वेंट्स चेस्ट लेवल पर है और कारंस में ओवरहेड जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो सेकेंड रो का क्या,
वेल, यहाँ भी कारेंस एल्कज़ार के कंपैरिजन में बेहतर साबित होती है। दो मेजर डिफरेंसेस है। सबसे पहला नी रूम का। देखिए, एल्कज़ार में जो नी रूम है वो क्रेटा जितना ही है, आपको कुछ ज़्यादा स्पेस वहाँ नहीं मिल रहा। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा नी रूम मिलता है। जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो है सेंस ऑफ स्पेस का। जो खिड़कियाँ हैं वो एल्कज़ार के कंपैरिजन में थोड़ी और बड़ी है, और ये जो विंडो लाइन है एल्कज़ार के कंपैरिजन में लो है। तो यहाँ पर आपको पूरा कैबिन खुला खुला लगता है। इट मेक्स द कैबिन फील बिगर देन इट एक्चुअली इज। हाँ, एक बात है, कारेंस के सेकंड रो में पैसेंजर साइड पर नी रूम बेहतर है, ड्राइवर साइड पर एयर प्यूरिफायर स्पेस कम कर देता है। मूविंग ऑन, क्योंकि एल्कज़ार में पैनोरामिक सनरूफ है, सेकंड रो में कारेंस जितना हेडरूम नहीं मिलता। बात करें विड्थ की तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कारेंस का डोर पैड डिजाइन थोड़ा और फ्लैट है, जिससे साइड वाले ऑक्यूपेंट्स लंबी जर्नीज पर अप्रिशिएट करेंगे। अब कारेंस और एल्कज़ार दोनों से मुझे एक शिकायत है कि जो सेकंड रो सीट्स है उसकी जो सीट बैक हाइट है वो थोड़ी सी कम है। तो अगर आप मेरी तरह हट्टे कट्टे हैं या आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आपको शोल्डर पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर सेकंड रो और थर्ड रो की बात करूँ तो स्पेस डेफिनेटली किया में बेहतर है, लेकिन किया ने ये किया कैसे? अगर आप दोनों गाड़ियों के डैशबोर्ड डिजाइन्स को कंपेयर करें तब आप ये नोटिस करेंगे कि कारेंस का जो डैशबोर्ड है उसे विंडस्क्रीन के तरफ थोड़ा और पुश कर दिया गया है। अब इसका एक ऑब्वियस एडवांटेज फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स को मिलता है, थोड़ा और स्पेस यहाँ उनके पास अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट सेकेंड और थर्ड रो वालों को भी मिलता है, क्योंकि एडजस्ट करके सभी लोग अपने हिसाब से थोड़ा और स्पेस बना पाते हैं। बात करें स्टोरेज स्पेसेस की तो एल्कज़ार के डोर में बॉटल होल्डर्स, सेंट्रल कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज प्रोवाइडेड है। कारेंस के डोर पैड में थोड़ी और स्पेस मिलती है और कुछ इंटरेस्टिंग टचेस भी, जैसे पॉप आउट टिकट होल्डर, पॉप आउट कप होल्डर और अंडर सीट स्टोरेज बॉक्स। यहाँ आर्मरेस्ट स्टोरेज में भी थोड़ा और स्पेस मिलता है। ओवरऑल यूटिलिटी में डेफिनेटली फर्क है, जहाँ कारेंस थोड़ी और प्रैक्टिकल साबित होती है। सिर्फ यूटिलिटी में नहीं, कैबिन के वाइब और एटीट्यूड में भी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब एल्कज़ार की जो ड्राइविंग पोजीशन है वो एसयूवी वाली है, आप थोड़ा और ऊंचा बैठते हैं, आपको बोनेट का एज दिखाई देता है। इन कंपैरिजन कारेंस में बैठते ही वो एमपीवी वाली फील आपको आ जाएगी। ऑफकोर्स डिज़ाइन डिस्टिंक्शन भी है। एल्कज़ार में देखें तो क्रेटा का ही डैशबोर्ड कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हाँ, कलर थीम डेफिनेटली अलग है, लेकिन जो कारेंस का डैशबोर्ड है वो सेल्टॉस से कम्प्लीटली अलग है। अब दोनों में से आपको किस गाड़ी का डैशबोर्ड डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया? यू प्रेफर द एल्कज़ार और द कारेंस? और एक बात, वो जो ब्लू बेज कॉम्बिनेशन आपको कारेंस में मिलता है, डू यू लाइक दैट ऑर नो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए अब इंजन ऑप्शंस देख लेते हैं। दोनों गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। डीजल इंजन तो दोनों में सेम है, 1.5 लीटर विद अ 6 स्पीड मैनुअल एंड अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक। लेकिन पेट्रोल इंजन देखें तो एल्कज़ार में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है और कारेंस में दो ऑप्शंस हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल जिसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल जहां मैनुअल के साथ 7 स्पीड डीसीटी का ऑप्शन दिया गया है। इन सभी कॉम्बिनेशंस में से हमें कारेंस का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल एक 7 सीटर पीपल मूवर के लिए बेस्ट चॉइस लगा। 7 लोगों को बिठाने के बावजूद ये अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती। अब हम ड्राइव परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर रहे, इंस्टेड लेट्स फोकस ऑन राइड क्वालिटी। अब दोनों गाड़ियों में इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है कि खराब रास्ते आराम से झेल पाए, पर कंफर्ट लेवल्स में डिफरेंस जरूर है। किया की टायर साइज छोटी है और साइड वॉल बड़ी, तो इसका बम्प अब्सॉर्प्शन ह्युंडई से बेहतर है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है इवन विद अ फुल पैसेंजर लोड। एल्कज़ार की सस्पेंशन थोड़ी और सॉफ्ट फील होती है और कैबिन में वर्टिकल मूवमेंट थोड़ा और महसूस होता है, स्पेशली एट हाई स्पीड्स। तो कौन सी 7 सीटर किसके लिए सही है? देखिए, ह्युंडई की एल्कज़ार को कंसिडर करने के 2 क्लियर रीजंस हैं। सबसे पहला, आपको इसकी एसयूवी वाली स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद है। दूसरा, इसमें जो एडिड फीचर्स है उसमें आप वैल्यू देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्वियस कॉम्प्रोमाइज़ है इन कैबिन स्पेस के मामले में। ऑन दी अदर हैंड, किया कारेंस में स्पेस की कोई कमी नहीं है, अब चाहे वो लोगों के लिए हो या आपके लगेज के लिए। और एक एडवांटेज जो कारेंस के पास है वो है राइड क्वालिटी के मामले में, जहां ये एल्कज़ार से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। यहां पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है
तो कुछ फीचर्स का। लेकिन ओवरऑल ऑल फैक्टर्स कंसिडर्ड, अगर आप हमें एक ऑलराउंडर फैमिली कार चूज करने कहें, वी वुड पिक द किया कारंस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स हो प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।